कश्मीर की बेनजीर खूबसूरती की शोहरत तो चहार दांगे आलम में फैली हुई है। सयाहों की जन्नत कहा जाने वाला ये खित्ता शायद रुए जमीन पर सबसे खूबसूरत खित्ता है। डल झील की खूबसूरती अब वैसे भी एक अफसानवी किरदार बन चुकी है, लेकिन इस जन्नत को जन्नत बनाए रखने और इसकी बेपनाह खूबसूरती को कायम रखने के लिए जिस कद्दो काविश और जिस कुर्बानी की जरूरत होती है वो सिर्फ हमारे फौजी भाइयों के हिस्से में आती है। वो अपने प्यारों और दुलारों को भूलकर सिर्फ हमारी खातिर बेआबो ग्याह बर्फानी इलाकों में घूमते रहते हैं। ये जियाले हमेशा हर कुर्बानी के लिए तैयार रहते हैं और जान की बाजी भी लगानी पड़े तो उनके पाए इस्तकामत में कभी लग्जिश नहीं आती है। हमारी इस्तकामत आज की दास्तान के हीरो भी जियालों की इसी नस्ल से ताल्लुक रखते हैं, जिन्होंने अपनी जान देकर ये साबित कर दिया कि वतन से बढ़कर कुछ भी नहीं है। नायक रामवीर सिंह तोमर, पूरी कौम आपकी आजमतों को सलाम करती है। नायक रामवीर सिंह तोमर का ताल्लुक कुमाऊं रेजिमेंट से था, जो हमारी फौज की सबसे मशहूर और मुमताज बटालियन में से एक है। किसी भी खुसूसी मुहिम और अहम मार्के की तारीख उस वक्त तक नामुकम्मल है जब तक उसमें पहली जंग अजीम और दूसरी जंग अजीम में उसने बरतानवी फौज के मातहत हुस्न कारकर्दगी का मुजाहरा किया। देश की आजादी के बाद जब चीन से 1962 में तसादुम शुरू हुआ, उस वक्त भी इस रेजिमेंट ने बड़ी बेजिगरी से चीनी फौजियों का मुकाबला किया। बाद 1965 की हिंद पाक जंग में भी ये रेजिमेंट हर महाज पर दुश्मनों के दांत खट्टे कर रही थी। कारगिल की जंग के दौरान ऑपरेशन विजय में भी पाकिस्तानी दरअंदाजों से मुकाबला करने और उन्हें मार भगाने में भी इस रेजिमेंट की कोशिशें काबिले तारीफ हैं, जिसके एतराफ में इस रेजिमेंट को बहुत सारे बहादुरी के इनामात और तमगों से भी नवाजा गया। नायक रामवीर सिंह तोमर ने जिस घराने में आंखें खोली उसकी एक नस्ल पहले से ही कौम की खिदमत में मसरूफ थी। बाप खुद फौज का हिस्सा रह चुके थे। नन्हे रामवीर सिंह के कान बचपन से ही गोली बारूद की आवाज से आशना थे। फौजी तर्ज मुआशरत और बहादुरी की दास्तानें उनके जहन में अनमिट नकूश सब कर चुकी थीं। कली की आबियारी हो चुकी थी और अब उसे खुशनुमा फूल बनना था। जो जो उम्र बढ़ती गई फौजी बनने का जुनून भी बढ़ता गया। बाप दादा के नक्श कदम पर चलने का सौदा सर में समाया हुआ था। बिलाखिर 18 साल की उम्र में उन्होंने फौज में शमूलियत इख्तियार कर ली। बचपन से बहुत साहसी थे वो, खेल कूद में बहुत ज़्यादा महत्व रखते थे। उनका स्वभाव ऐसा था कि बहुत सीधे स्वभाव रहते थे। अगर किसी से थोड़ा सा देखा कि इसमें कुछ इनका किसान से खिलाफ हो रहा है हम लोगों के में, तो उस समय फिर वो बहुत डट के विरोध करते थे। बचपन में अच्छा था, खूब पढ़ने में खूब अच्छा था, इसके नंबर भी अच्छे आते थे। फिर भर्ती देखने लगा, देखते देखते फिर बोला कि माँ मैं तो भर्ती होंगे। तब मैंने इसके पिताजी से बोला, फिर वो ले गए अपने साथ रानीखेत, वहाँ पर करा दिया। ट्रेनिंग ख़त्म ही हुई, शादी हुई तो ट्रेनिंग लगभग एक दो माह ही रह गए। और सबसे मतलब शांत सीधे स्वभाव के थे, नेचर भाई बहुत अच्छे थे, व्यवहार भी उनका बहुत अच्छा था। मेरे पिताजी बहुत ही सपोर्टिव थे फैमिली के लिए, और वो हमारी पढ़ाई पे और हमारे मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट पे भी ज़्यादा फोकस करते थे। और वो उनका ये था कि जैसे कि हम लोग भी आर्मी में जाएं, तो उन्होंने मेरे को मिलिट्री स्कूल में भी, उनका सपना था कि मैं मिलिट्री स्कूल में पढ़ूँ, जो कि मतलब इंडिया के बहुत अच्छे स्कूल्स हैं। बड़े भाई थे मेरे, लेकिन बिल्कुल दोस्तों की तरह समझते थे। उम्र का ज़्यादा फासला नहीं था हम दोनों में, बिल्कुल जैसे ही छुट्टी उट्टी भी आते थे मैक्सिमम टाइम हम लोग साथ में ही रहते और बहुत ज़्यादा चाहते थे मुझे। काफ़ी हम लोगों को कभी किसी चीज़ की उन्होंने कमी नहीं होने दी, मतलब हमेशा टोटल सपोर्ट रहा था उनका पढ़ाई के लिए भी, और मोटिवेशन रहता था उनका हम लोगों के लिए, और हमेशा कैरियर और फ्यूचर के बारे में मतलब बताते थे उस टाइप से। और ओवरऑल उनका खुद का बिहेवियर भी बहुत पोलाइट था, मतलब वो लोग स्ट्रिक्ट भी थे लेकिन उनका कभी ज़ोर ज़बरदस्ती वाला वो वैसा नहीं रहा। उन्होंने हमेशा
किसी चीज़ पे एम्फेसाइज करके एक्सप्लेन करके ज़्यादा काम करवाने पे ज़्यादा वैल्यू करी, इससे अच्छा कि मतलब डांट के या फिर किसी चीज़ के लिए। भैया से तो मैं काफ़ी छोटी थी तो उनके बचपन का तो मुझे इतना नहीं मालूम है, बट वो बहुत ब्रेव थे गाँव में भी तो सारे गाँव के लोग उनकी काफ़ी तारीफ करते थे। मतलब ये सोचो अभी तक उनके बारे में अगर कोई सोचे भी कि इनके बारे में कोई बुराई बता दे तो कोई सोचने पे भी समझ में नहीं आती कि कोई बुरी क्वालिटी उनके अंदर है। और घर का काम वाम भी सब देखते थे, पापा तो आर्मी में थे तो वो रहते थे, तो भैया भिंड में पढ़ते थे ये वाले, तो वो गांव में ही रहते थे चाचा वगैरह के साथ, तो बराबर काम करवाते थे पढ़ते थे। और आर्मी में जाने का शौक तो ना शुरू से ही रहा था, अपनी खुद की मतलब इच्छा से गए थे, पापा के मना करने के बावजूद भी उन्होंने ज्वाइन किया। और छुट्टी आने के बाद फुल टाइम पूरे टाइम ही साथ रहते थे हम लोग, जैसे दोस्त रहते ना वैसे ही, कुछ भी काम करते थे टोटल साथ में ही रहते थे। इवन अगर मैं खेलने आ रहा हूँ तो खेलना भी नहीं आते फिर भी साथ में रहते थे पूरे टाइम। और वैसे मित्रवत व्यवहार रहता सबके साथ, बहुत सहज था, किसी के साथ भी घुल मिल जाते थे आसानी से, नेचर तो बहुत अच्छा था, बस गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पाते थे वो। नायक रामवीर सिंह तोमर जुल्म और नाइंसाफी को किसी शक्ल में बर्दाश्त करने के कायल नहीं थे। वो एक पहाड़ी गांव में पल बढ़कर जवान हुए थे जहां की रोजमर्रा की जिंदगी इंतहाई मशक्कत से पुर होती है। मसायब और मसाइल इंसान के आसाब को फौलादी बना देते हैं। नायक रामवीर सिंह तोमर की फौजी जिंदगी में अबाइले अय्यामजरी की ये तरबियत भी बहुत काम आई। रक्षाबंधन पे आते थे अक्सर, एक बार ऐसे ही गाँव में ही थे मैं और भैया दोनों रक्षाबंधन पे, तो काफ़ी लेट हो गया था राखी वगैरह, तो मेरी चाचा की सिस्टर आ गई थी बंधवाने के लिए, तो उन्होंने बोला था नहीं पहले मैं अपनी बहन से ही बंधवाऊँगा उसके बाद इससे बंधवाऊँगा। तो हमेशा मतलब डिवोटी रहते थे, मेरे को भी राष्ट्रपति अवार्ड मिला था स्काउट एंड गाइड में, तो बड़े खुश होते थे कि मैंने ऐसा काम किया, फ़ोटो ले गए अपने साथ मेरा फ्रेम करा के, तो उनको मतलब अपने कंट्री के प्रति बहुत वो था और वो चाहते थे कि मैं भी आगे जाऊं और मैं भी अपना नाम रोशन करूं। मेरे पापा शादी की भी जल्दी करते थे तो वो मना करते थे हमेशा, नहीं कि पढ़ाओ और अच्छा सा अच्छी जगह पहुंचने दो उसके बाद करना। तो भाई बहनों से तो उनको क्या पूरी फैमिली से उन्हें इतना अटैचमेंट था आज की डेट में जितना शायद ही कोई भाई बहन ही अपनी फैमिली के लिए करता होगा। नायक रामवीर सिंह तोमर न सिर्फ ये कि एक बहादुर फौजी थे बल्कि एक शफीक बाप, जानिशावर करने वाले भाई, इताअत गुजार बेटे और एक मिसाली शौहर भी थे। वालदैन की इज्जत व एहतराम, भाई और बहन की गमगुजारी, बच्चों से शफकत और अपनी नस्ल बेहतर की दिलजोई उनका जुज्वे ईमान थी। मेरी तो इच्छा थी कि हमारे बच्चे अपने पैरों से खड़े हो जाए पढ़ते पढ़ते, फिर उसको ये सर्विस अच्छी लगी आर्मी वाली। नहीं सही डिसीजन था भैया का, वो क्या हमारे यहाँ तो आर्मी में जाने का एक शौक सा ही रहता है, हमारा भी यही था शुरू से, कोई पहले से उद्देश्य तो रहता नहीं कि क्या करना है, लेकिन ये निश्चित रहता है कि पढ़ने के बाद आर्मी निश्चित ज्वाइन कर लेंगे और कुछ करें या ना करें। उनका निर्णय यही था कि मैं नौकरी करूँगा तो आर्मी में ही करूँगा वरना नौकरी नहीं करूँगा, तो फिर आर्मी में उनकी जिद से ही मैं उनको ले गया रानीखेत, रानीखेत हमारा सेंटर था, वहाँ जा कर उनको हमें भर्ती कराया। भर्ती करने के बाद मैंने अपने आराम से एक करीब साल भर की ट्रेनिंग की, ट्रेनिंग के पश्चात यूनिट में आए, तो यूनिट में इनका अच्छा फिजिकल अच्छा था, मैंने अपने घर पर बुलाकर उनसे बताया था बेटा कि मैं यहाँ पर SM हूँ, इसका किसी भी सरदार को या NCO को ये पता नहीं होना चाहिए कि SM साहब का बच्चा है, इसलिए इस टाइप की बात करते हैं, एक साधारण व्यक्ति की तरह यहाँ पर आपको अपना जीवन निर्वाह करना है। नहीं नहीं सिलेक्शन हुआ उससे पहले फर्स्ट पोस्टिंग कोटा दिए, जब हमारी शादी हुई तो कोटा में पोस्टिंग, पहले रानीखेत सेंटर में थे रानीखेत, कोटा हम सारी पूरी फैमिली साथ में थे, पापा थे, पापा भी सुधार मेजर थे, पापा के नाम ही क्वार्टर इशू हुआ, तो सारी फैमिली ज्वाइंट फैमिली थी साथ में। 2 साल के पश्चात में मैं जब पेंशन आया तो विनोट में रहे कि पहले पलटन लखनऊ में थी, तो लखनऊ में इनने SF क्वार्टर लिया था, उसके बाद कुपवाड़ा चली गई पलटन, तो कुपवाड़ा में 2 साल होने के पश्चात में पलटन जम्मू में मीरा शाह में आ गई, तो इन्होंने यूनिट से ही दोबारा अपना पोस्टिंग मांगा RR में। व्यवहार अच्छा था नेचर भाई, कभी किसी ने कोई अफसर ने अधिकारी ने सिंसियर बहुत थे, हर काम के लिए पंचुअल, कभी कोई शिकायत ही नहीं हुई, यूनिट में भी सभी लोग बहुत तारीफ करते थे। जब पोस्टिंग लखनऊ हुई तो मैं भी 2-3 महीने साथ में रही, उसके बाद पोस्टिंग 26 RR चले गए,
जब आरआर में थे तो बताया नहीं था, मतलब मुझे मालूम नहीं था कि मैं आरआर में और ये उसमें थे, ऑपरेशन में थे। तो ऑपरेशनों का मतलब तो बाद में पता चला जब और लोगों से, मतलब कोई काम बताते नहीं थे जैसे यूनिट, मतलब उसके बारे में आर्मी के कि मुझे वहाँ कोई परेशानी है या कुछ है कि बच्चे हमारे परेशान हो। कारगिल के बाद जैसे ही हुआ था तो मुझे उस टाइम का इतना पता नहीं है, लेकिन इतना याद है कि आर्मी की यूनिट्स जो थी वो डिप्लॉय हुई थी कारगिल के लिए। हमारी यूनिट जो पीछे थी तो वो यूनिट मतलब वहाँ सारी यूनिट्स जा रही थी, मतलब सारा मूवमेंट हो रहा था यूनिट्स का, तो वो सब हमको याद है। सारे मतलब पूरे फैमिलीज़ जो होती है हाउस वाइफ वगैरह बाहर बैठ के बातें किया करती थी वॉर की। तो आफ्टर वॉर टाइम इस चीज़ का किसी को अंदाजा नहीं था, मतलब बिकॉज़ ये सब एज एन ऑपरेशन हुआ था तो उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन बाद में जब स्टोरी सुनी तो मतलब वो हर कोई नहीं कर सकता, वो काफ़ी मतलब एक्स्ट्रा चीज़ है जो किसी ने एफर्ट लगाया है अपनी तरफ से। कल्चर तो सब पता ही था पापा थे शुरू से कि क्या होता है कैसा होता है, ये सब चीज़ें तो मालूम थी पहले से, और बट ये नहीं पता था कि वो हार्ट फील्ड ज्वाइन कर चुके हैं। और बकाया तो आर्मी का कल्चर क्या क्या लाइफ होती है, क्या लाइफस्टाइल, सब मालूम तो रहता ही है पहले से। अटैचमेंट तो पूरी फैमिली से था, बल्कि 15 डेज पहले उनका कॉल आया था तो वो बहुत ईगर हो रहे थे अपनी फैमिली से मिलने को। भाभी को भी बोला कि बच्चों को बुला लेना, भैया भी गुना में थे इनको भी शिफ्ट कर लो, सबसे मिलने का बहुत मन हो रहा है। छुट्टी आने वाले थे पर उस बीच में ऐसा सब हो गया। नायक रामवीर सिंह तोमर ने कभी भी फौज की नौकरी को नौकरी नहीं समझा, अपने लिए इसे एक एजाज जाना। अनथक मेहनत, जद्दोजहद और जवां मर्दी से इन्होंने अपने लिए जल्द ही एक मकाम बना लिया। वतन की हिफाजत एक सिपाही का सबसे बड़ा ईमान होता है, और यही चीज रामवीर के ईमान का जुज्वे लाइन फक थी। 26 आरआर में घातक नाम से एक प्लटून थी, उस प्लटून में वॉलंटियर हुए तो उनको घातक प्लटून में रख दिया गया। उनका काम होता था कि जहाँ भी छोटी मोटी कोई रुकावट या कोई सूचना मिलती थी तो सबसे पहले उस घातक प्लटून को जाना पड़ता था। तारीख थी 17 अक्टूबर 2001, शाम के 7 बजे थे। खबर आई कि काकू गांव में कुछ आतंकवादी पनाह लिए हुए हैं। तकरीबन 7:30 बजे राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों ने लोकल पुलिस के साथ उनको वहां से खदेड़ने की मुहिम का आगाज किया। तकरीबन 9:30 बजे पूरे गांव का मुहासिरा कर लिया गया। रात होने की वजह से ऑपरेशन को मुलतवी कर दिया गया। प्लान ये था कि सूरज की पहली किरण के साथ ही दहशतगर्दों पर धावा बोल दिया जाए। दहशतगर्दों को इस मुहासिरे की इत्तला थी, वो भी रात खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। सुबह में तकरीबन 7 बजे उन्हीं के घर से गोलियों की बौछार शुरू कर दी। दुश्मन की कमीनगाह का पता चलते ही चीता नामी टुकड़ी को दुश्मनों को बिल से निकालने और उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाने का फर्ज सौंपा गया। इस टुकड़ी की कमान मेजर कार्तिकेयन के हाथों में थी। टीम लीडर ने नायक रामवीर सिंह तोमर और उनके 3 साथियों को ये फर्ज सौंपा कि वो दुश्मनों का दूबदू मुकाबला करें और उन्हें मार गिराएं। रामवीर सिंह और उनके 3 साथी उस घर की तरफ बढ़े जहां दुश्मन छुपे बैठे थे। बहादुर रामवीर सिंह तोमर ने पहले खुद अंदर जाने का फैसला किया और घर में अंदर घुसने से पहले उन्होंने ग्रेनेड उछाला और बेधड़क अंदर घुस गए। रामवीर सिंह एक मंझे हुए फौजी थे, दहशतगर्द भला उनके सामने क्या टिक पाते। अंदर घुसते ही उन्होंने 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। ये देखकर तीसरा आतंकवादी उन पर हमलावर हुआ और गुत्थम गुत्था होने लगी। रामवीर सिंह जिस्मानी कुव्वत में इससे कहीं ज्यादा थे, उन्होंने थोड़ी ही देर में उसको भी ऊपर पहुँचा दिया। उसके पश्चात एक बगल में और कमरा था, उस कमरे में इन्हें सोचा कि कुछ आदमी है, वो हमारे साथियों के लिए भेड़िक है। तो जोश में आकर के उनने उस कमरे में भी घुसने की कोशिश की, तो उस कमरे में इनने पैर से दरवाज़ा खोला, और जैसे दरवाज़ा खुला तो उसमें एक आदमी था, उसने सीधा निशाना बांधा हुआ था, तो उसने AK-47 बस्ट मारा तो उनकी बाई आके नीचे शॉट लगाया।
वो बुरी तरह जख्मी हो गए। उनके साथियों ने उनकी मदद करनी चाही लेकिन उन्होंने सबको पीछे ढकेल दिया। दुश्मन का खात्मा उनकी जिंदगी का नस्बुलैन था। भला जख्म उनको कैसे रोक सकता था। उन्होंने अपनी तमाम हिम्मत जमा की और एक ग्रेनेड उछालकर इस चौथे दुश्मन को भी ढेर कर दिया। इस ऑपरेशन में बुरी तरह जख्मी होने के बावजूद रामबीर सिंह तोमर ने जिस हिम्मत, जुर्रत और दिलेरी का मुजाहिरा किया वो सिर्फ उन्हीं का खासा था। जख्मों से चूर चूर होने के बावजूद वो दुश्मनों से लड़ते रहे और उन्होंने 4 दहशतगर्दों को मार गिराया। इस शानदार कारनामे के इतराफ में उन्हें बाद अजमग अशोक चक्र से नवाजा गया। उसके इसी स्थिति में वहाँ बड़े अफसर आ गए, कमांडर जनरल, तो तुरंत ही वहाँ से हेलीकॉप्टर मंगाया गया। हेलीकॉप्टर से एक उपाय करके इनको उधमपुर लाया गया। उधमपुर हेलीपैड पे जब इनको वहाँ से उतारा गया तो एम्बुलेंस में ले गए। एमएच में डॉक्टर साहब ने इनको देख करके डेड घोषित कर दिया। उरूस वतन के हाथों में अपने खून की लाली से मेहंदी रचने का सपना देखने वाला आखिरकार वतन की आन पर मर मिटा। लेकिन मरते मरते वो एक ऐसा मीनाराए नूर कायम कर गया जिसकी रोशनी से आने वाली कितनी ही नस्लें इख्तिसाब करती रहेंगी। बहादुर बहुत थे वो, निश्चित किसी चीज को गलत होते हुए नहीं देख सकते। ये तो फिर देश की रक्षा वाली बात थी, तो वो रिस्क खुद ही उठाते थे, दूसरे को नहीं जाना। अगर उस जगह मैं भी होता तो मुझे कतई नहीं जाने देते। तो वो किसी के, वो खुद ही सेल्फ रिस्क पहले उठाते। चैलेंज काम करना उनका मतलब एक तरीके से वो था, नहीं हाँ करना है मुझे। पहले जब कारगिल की लड़ाई में गए थे तो वहाँ पर बर्फ में पैर चला गया था, तो उसमें हमको नहीं बताया उसने, और हमारे एक चाची थी उनको बताया कि पैर में बंदूक लग गई। अंतिम मुलाकात तो तभी हुई जब आए घर पे। सासी तो वो शुरू से जब वो थोड़ा अपनी याददाश्त संभाली है, करीब 10-12 साल के हुए हैं, जब से इतना मालूम था कि ये व्यक्ति ऐसा नहीं है कि ये हट जाए, एक लड़के भग जाए, ऐसा नहीं था। वो तो अड़ गया तो अड़ने वाली बात थी, और वही बात उन्होंने वहाँ किया। क्योंकि कुछ समय ऐसा होता है